हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स फिल्म लॉस्ट गर्ल्स के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में कि कैसी है ये फिल्म, क्या खास है इस फिल्म में और आपको ये फिल्म क्यों देखने चाहिए, सब जानेंगे, डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, कहीं भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लॉस्ट गर्ल्स, इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 13 मार्च को नेटफ्लिक्स पे और ये फिल्म इंग्लिश ही नहीं हिंदी में भी रिलीज़ हुई है। फिल्म को डायरेक्ट किया है एलिस गार्बिस ने और फिल्म की कास्ट में है एमी रायन, थॉमसन मैकेंजी, ऊना लॉरेंस, डीन विंटर्स। तो पहले बात कर लेते हैं फिल्म के प्लॉट के बारे में कि किस टाइप की स्टोरी आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है। फिल्म की कहानी फोकस करती है मरी गिलबर्ट के कैरेक्टर पर, जिसे फिल्म में निभा रही है एमी रायन, जिनकी बड़ी बेटी काम के सिलसिले में एक जगह जाती है और उसके बाद से ही वो लापता हो जाती है और पुलिस इस केस को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है और ना ही अपना काम ठीक से करती है, जिसके बाद मरी डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को खुद ढूंढेगी और मिस्ट्री को सॉल्व करके रहेगी। और फिर फिल्म में आगे क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको इस फिल्म को ही देखना होगा, जिसका नाम है लॉस्ट गर्ल्स। तो फ्रेंड्स, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये फिल्म बेस है एक ट्रू केस पे जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, जिस वजह से आपको इस फिल्म की एक प्रॉपर एंडिंग भी देखने को नहीं मिलेगी, जिस वजह से ये एक सीरियस फिल्म बनती है। तो पहले बात कर लेते हैं फिल्म के प्लस पॉइंट्स के बारे में। बात करूँ फिल्म के डायरेक्शन की तो फिल्म को डायरेक्ट किया है एलिस गार्बिस ने और उनका डायरेक्शन अच्छा है। वहीं फिल्म का BGM फिल्म के हिसाब से ठीक है और मुझे पसंद आया। बात करूँ अगर फिल्म की एडिटिंग की तो फिल्म की शुरुआत थोड़ी स्लो है बट बाद में फिल्म फास्ट पेस पे ही चलती है, जिस वजह से फिल्म की एडिटिंग ठीक ठाक है। तो अब बात करेंगे फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में। तो हाँ, फिल्म के मेन कैरेक्टर्स को अच्छे से लिखा गया है, डेवलप किया गया है, जिस वजह से स्टार्ट से ही हम इन कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं, स्पेशली एमी रायन के कैरेक्टर मरी से। मरी के कैरेक्टर की वजह से ही आप इस कैरेक्टर से और फिल्म के स्टार्ट से ही फिल्म से कनेक्ट हो जाते हैं। तो बात करते हैं फिल्म के वीक पॉइंट्स के बारे में। तो फिल्म में मेन कैरेक्टर्स को तो अच्छे से लिखा गया है, डेवलप किया गया है, पर फिल्म में जो बाकी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं उनको बिल्कुल भी अच्छे से ना ही लिखा गया है ना ही डेवलप किया गया है, जिस वजह से ना ही हम इन कैरेक्टर्स को समझ पाते हैं और ना ही इन कैरेक्टर्स के लिए अपनी एक राय बना पाते हैं। लॉस्ट गर्ल्स ये उन बाकी मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्मों की तरह नहीं है जिसमें एंटरटेनमेंट भरा जाता है, क्योंकि ये फिल्म एक सीरियस फिल्म है और ये हर टाइप की ऑडियंस के लिए नहीं है। जिन्हें एक्शन फिल्में पसंद है उनको तो ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, उनके लिए एक फ्लॉप फिल्म बनेगी। फिल्म शुरुआत में थोड़ी स्लो है और बाद में फास्ट पेस, बट फिल्म को सीरियस टोन में रख के ज़्यादा बनाया गया है और फिल्म की एक प्रॉपर एंडिंग भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो कि शायद ये बात फिल्म की कुछ लोगों को पसंद ना आए। तो ओवरऑल ये कोई बड़ी फिल्म नहीं है जिसमें आपको क्राइम मर्डर मिस्ट्री सीन्स भर भर के देखने को मिलेंगे, ये एक अच्छी फिल्म है जिसे आप एक बार देख सकते हैं अगर आपको मर्डर मिस्ट्री पे बनी एक सीरियस फिल्म देखनी है इस लॉकडाउन के समय। मैं इस फिल्म को दूंगा 3 स्टार्स और ये एक ट्रू केस पे बनी एक अच्छी टाइम पास फिल्म है जिसे आप एक बार तो देख ही सकते हैं अगर आपको मर्डर मिस्ट्री पे बनी सीरियस फिल्में पसंद आती हैं। और ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है और इसका हिंदी डब भी अच्छा है, तो आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बस इस फिल्म को फैमिली के साथ मत देखना, क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है जिस वजह से आप इसको फैमिली के साथ नहीं देख सकते। पर अगर आपने लॉस्ट गर्ल्स पहले से ही देख रखी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आया, रिव्यू पसंद आया, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।